दोस्तों, आप जिस प्लेटफॉर्म को अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं उस प्लेटफॉर्म का नाम है ग्रो। दोस्तों, ग्रो नाम से इनकी एक एप्लीकेशन भी है जिसको आप प्ले स्टोर से जाकर के इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप चाहे एप्लीकेशन के द्वारा चाहे फिर आप इनकी वेबसाइट के द्वारा अलग अलग तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड के अंदर इनकी वेबसाइट के ऊपर या फिर इनकी एप्लीकेशन के अंदर जाकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं या फिर स्टॉक के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है, US स्टॉक भी यहाँ पर अवेलेबल है, गोल्ड भी यहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों, और साथ साथ में FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट भी यहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों, एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर इतने सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है या बहुत ही अच्छी कंपनी है या वेबसाइट है। आप अपने स्तर से इसको वेरीफाइड करने के बाद इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इसकी रियल वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है। आप वहां पर जाकर के अकाउंट बना सकते हैं और इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही इजी स्टेप्स के अंदर आपका अकाउंट बन जाता है और बहुत ही इजी तरीके से आप यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। अब दोस्तों, हो सकता है कि आप ग्रो के बारे में पहले से जानते हो, यहाँ पर आपने कुछ म्यूचुअल फंड परचेस किए हो यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट किया हो, या फिर आपने कुछ यहाँ पर स्टॉक परचेस किए हो और स्टॉक परचेस करने के बाद आपने स्टॉक बेचे भी होंगे। लेकिन दोस्तों, काफ़ी मित्र ऐसे हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कुछ ही समय से इस वेबसाइट के ऊपर या इनके एप्लीकेशन के ऊपर आए होंगे और कुछ ही समय से इनके साथ काम स्टार्ट किया होगा। अगर उन्होंने स्टॉक परचेज भी कर लिए होंगे और परचेज करने के बाद जब उन्होंने सेल आउट किया होगा, तो सेल आउट करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट होती है कन्फ्यूजिंग। दोस्तों, कन्फ्यूजिंग क्या होती है कि कई बार आप अपने स्टॉक को सेल कर देते हैं और सेल करने के बाद आपका जो अमाउंट होता है वो आपका टोटल अमाउंट आपकी वॉलेट के अंदर शो तो होता है, लेकिन आप उसको विड्रॉल नहीं कर पाते हैं। यानी कि जब आप विड्रॉल करने के लिए जाते हैं तो आपका अमाउंट वहाँ पर जीरो दिखाई देता है। ये कन्फ्यूजिंग दोस्तों आपको बहुत बार देखने को मिली होगी और मेरे हिसाब से तो ये कन्फ्यूजिंग सभी लोगों को देखने को मिली होगी, क्योंकि जब आपने फर्स्ट टाइम अपने स्टॉक को सेल आउट किया होगा उस समय आपने इस प्रॉब्लम को फेस किया होगा। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम क्यों आती है, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या आपको करना होगा, इस सब की जानकारी दोस्तों हम आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाले हैं। बस आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, हमेशा की तरह डिस्क्लेमर के रूप में मैं दिनेश कुमार आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं तो अपनी खुद की स्टडी जरूर करिएगा, और जब आप अपनी स्टडी से सेटिस्फाई हो जाएं तब आप अफोर्डेबल अमाउंट के साथ इस इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं। और दोस्तों, अगर आपके लॉसेस होते हैं तो मनीग्रो टीम आपके किसी भी लॉस की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेती है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप अपने अकाउंट को लॉग इन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस आपको दिखाई देता है। अब दोस्तों, जैसे ही आप अपने स्टॉक को सेल आउट कर देते हैं उसके बाद आपको जाना होता है वॉलेट के अंदर, क्योंकि वॉलेट के अंदर आपका बैलेंस शो होता है। अब जैसे ही दोस्तों आप वॉलेट के अंदर जाते हैं, आपके सारे स्टॉक जो आपने सेल किए होंगे, जितना अमाउंट उनका बना होगा, उनका टोटल ओवरऑल बैलेंस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब दोस्तों, जैसे ही आप विड्रॉल के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगता है जीरो। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 20,500 रुपये अमाउंट हमें यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा ओवरऑल बैलेंस जो है वो 22,868 है। क्योंकि दोस्तों, मैंने भी कुछ दिन पहले अपने स्टॉक को सेल आउट किया था और कई दिन तक मेरा यहाँ पर बैलेंस शो नहीं हुआ था। अभी भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 20,000 है और यहाँ पर है 22,000, लगभग 2,000 से भी ज़्यादा का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। तो अगर आप जैसे ही अपने स्टॉक सेल आउट करेंगे आपको यहाँ पर बैलेंस शो होने लगेगा, लेकिन जब आप विड्रॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो विड्रॉवल अमाउंट होगा वो यहाँ पर जीरो दिखाई देगा। ये क्यों होता है दोस्तों, आप यहाँ पर क्लिक करके देखिए, सारे ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी स्टॉक अपने सेल आउट किए होंगे उसका ओवरऑल जितना बैलेंस आपको मिलना होगा या मिल चुका होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 20,577 रुपये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये बैलेंस हमें इन स्टॉक को सेल करने के बाद मिला था 20,577। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, एक और बैलेंस हमें दिखाई दे रहा है 2,290 रुपये का। दोस्तों, ये स्टॉक हमने बाद में सेल किए हैं, क्योंकि ये पहले सेल किए थे, उसके बाद यानी कि कुछ दिन बाद हमने इन स्टॉक को सेल किया, इसका अमाउंट हमें मिला है 2,290 रुपये, लेकिन टोटल विड्रॉवल अमाउंट के अंदर हमें अभी ये कैलकुलेट होकर के नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसका रीज़न क्या है दोस्तों, आप जब इसको क्लिक करते हैं यानी कि आप लेटेस्ट वाले ट्रांजेक्शन को जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इसकी सारी डिटेल दिखाई दे जाएगी। देखिए दोस्तों, आपने कब इसको सेल किया, कब इसको कंफर्मेशन मिली वो आप यहां पर देख पाएंगे। 5 अक्टूबर 2021 को इसकी कंफर्मेशन हमें मिल चुकी है।
लेकिन दोस्तों इसका जो अमाउंट होगा यानी कि ये जो 2290 रुपये होंगे, ये हमें कौन सी डेट को हमारे अकाउंट के अंदर क्रेडिट होंगे या कौन सी डेट को विड्रॉल के लिए एलिजिबल होंगे वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर डेट है 7 अक्टूबर 2021, यानी कि 7 अक्टूबर 2021 को ये अमाउंट हमें मिलेगा। अब दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर जितने भी आपने स्टॉक सेल आउट किए होंगे सभी की जो डेट होगी, जिस डेट को आपको ये अमाउंट मिलना होगा, वो यहाँ पर शो होने लगेगी। अब दोस्तों हो सकता है आप इस वीडियो को किसी अलग डेट के ऊपर देख रहे हो या अलग डेट के ऊपर हमारे चैनल के ऊपर पब्लिश किया गया हो, लेकिन ये प्रॉब्लम जब हमने फेस की तब आपको अवेयर करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए या आप परेशान ना हो जाएं इसको दूर करने के लिए इस वीडियो को हमने शूट किया, जिससे दोस्तों आप कहीं ना कहीं परेशान ना होने पाए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जिस डेट के ऊपर भी आपने अपने स्टॉक सेल किए हैं उसके ट्रांजेक्शन के अंदर जाकर के देखना है कि कौन से डेट के ऊपर आपको अमाउंट ये एलिजिबल हो जाएगा विड्रॉल के लिए। अब दोस्तों इसमें टाइम लग सकता है, हो सकता है 2 दिन के अंदर आपको ये अमाउंट मिल जाए, हो सकता है 4 दिन के अंदर, कई बार 1 हफ्ता भी लग सकता है या फिर 10 दिन भी लग सकते हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस आपको इंतजार करना है कि कब आपके विड्रॉल वाले सेक्शन के अंदर ये अमाउंट शो हो, उसके बाद आप इजी तरीके से विड्रॉल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ग्रो को लेकर के हमने कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहले से भी बना करके आपको हमारे इसी चैनल के ऊपर दे रखे हैं, जिनके लिंक आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करने पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करने पर मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाकर के उन वीडियोज को देखिएगा, बहुत सारी जानकारी दोस्तों आपको इस ग्रो ऐप के बारे में मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप ग्रो की वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं या फिर इसकी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दोनों लिंक हमने दे रखे हैं, वहां पर जाकर के आप ये प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलने पाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में किसी अच्छी न्यूज अपडेट या सच्चे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।